हाँ जी सत श्री अकाल जी दोस्तों, आप सबका स्वागत किया जाता है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी क्लास स्टडी विच। जिसमें तुहानू पता ही है तुहाडियां प्री बोर्ड परीक्षावां चल रही हैं, तो लगता है तुहाडे नाल असीं वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर फुल सोल्वड शेयर करते रहने। तो जी इस वीडियो में तुहाडे नाल शेयर कर लगे तुहाडी डिमांड से क्लास अठवीं दे लई इंग्लिश का प्री बोर्ड परीक्षावां लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अज्ज दी इस वीडियो में तुहानू इह फुल सोल्वड मिलेगा पेपर, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। और जिहड़े विद्यार्थी साडे चैनल ते पहली बार आ रहे हैं कष्ट करके उन्होंने सबसक्राइब जरूर कर देना। सब तो पहले तुहानू इह पेपर जिहड़ा अपने चैनल ते मिलेगा फुल सोल्वड पेपर, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। ठीक है जी, आओ बिना टाइम वेस्ट किए आप शुरू करते हैं। और इस वीडियो में तुहाडे नाल असीं सिर्फ कवर करांगे तुहाडे जिहड़े वड्डे क्वेश्चन हैगे ओह, और जिहड़े तुहाडे आ जिहड़े वन वन मार्क्स दे ते जिहड़े आ सारे क्वेश्चन सीगे इह आपणे पहली आपणे यूट्यूब चैनल ते अपलोड करदी सी वीडियो पार्ट वन। जेकर तुसीं अज तक इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखिया, पार्ट वन नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिता हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ पार्ट वन का। पार्ट वन के असीं वड्डे क्वेश्चन तुहाडे नाल कवर किए सीगे, नौ क्वेश्चन पहले जाने कि तुहाडे जिहड़े नौ क्वेश्चन सीगे उरे तक। ठीक है जी, उरे तक वह जिहड़े पार्ट वन च कवर किए गए हैं। तो जेकर हजे तक तुम देखा नहीं पार्ट वन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर पार्ट वन देख सकते हो। अज इस वीडियो में असं सिर्फ असं दसवां पार्ट तो लैके जो बाकी रह गए थे आप करवावे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर बने रहो। ठीक है जी, आप देखते आप सैक्शन सी। ठीक है, सैक्शन सी में तुम्हें वोकैबुलरी ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन आऊगी। ठीक है, जिस तरह तुम्हें पता ही है जी बोर्ड की जी फाइनल डेट शीट है वो लानी दी है। जेकर हजे तक देखी नहीं तो अपने चैनल से जाकर देख सकते हो, अपने जी डेट शीट वो पा भी दी है। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग आप जी बोर्ड क्लास के पेपर ने उन्होंने तैयारी भी करवावे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस तरह अभी हूँ करवा रहे हैं फुल सॉल्वर तो पेपर मिलने। तो जिस तरह आप देख लेने के ग्यारहवां वोकैबुलरी हैगा, तो एक तो यह तुम्हें सौ छे क्वेश्चन आने छे है जी एक नंबर देने। जो मैं पहला देख लें, वन वर्ड फॉर द सूटेबल सिचुएशन। ठीक है जी, वन वर्ड फॉर द सिचुएशन जिमें कि पहला गा अ मैन हूज डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। ठीक है जी, उसनों की कहें जो मैन है डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, उन्हें की लिखी है तो की लिखना, इसका होगा तो इलीटरेट। ठीक है जी, इलीटरेट आऊगा इसका, तुम नोट कर लेना, इसका आऊगा तो इलीटरेट। ठीक है जी, ई इसका तो बिल्कुल राइट आंसर है इलीटरेट। ठीक है जी, पहले का। इस तो बाद सैकेंड आ रहा, सैकेंड तो उरों स्टार्ट हो रहा। ठीक है स्टूडेंट, उदो तो उरे तक गिव द सिनोनिम ऑफ लार्ज। ठीक है, लार्ज अपने सिनोनिम देखना, सिनोनिम होंगे गा आप लार्ज का आप की लिख सकते हैं, लार्ज का आप बिग लिख सकते हैं। ठीक है, बिग सिनोनिम जाने कि समान अंतर की होगा इसका, वो थोड़ा बिग। ठीक है जी, दूजे का अभी बिग नोट कर लेना, वीडियो अंत तक जरूर मिल रहो। और जेकर हजे तक चैनल नहीं सबसक्राइब किया सबसक्राइब जरूर कर ले, तो ही फायदा थोड़ा कुछ नहीं जाता सबसक्राइब करने में, तो समय सिर जो पेपर मिल जाता। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर फुल सोल्वड। तो इस बाद देख लेने भतीजा, गिव द एंटोनिम ऑफ एबसेंट। ठीक है जी, एंटोनिम होंगे जी का। ठीक है जी, उस तो उल्ट। ठीक है जी, आप एबसेंट है तो होंगे कि इसका प्रेजेंट। ठीक है जी, प्रेजेंट। तो इस तो बाद देख लें आप चौथा, एट द राइट परफेक्स प्रीफिक्स एंड द सुफिक्स टू द वर्ड पेड। ठीक है जी, प्रीफिक्स से सुफिक्स दसना, पेड का पेड तो अनपेड। ठीक है जी, इसका अनपेड अनपेड लिख सकते इसका आंसर अनपेड। इस तो बाद है पंजवां, पांचवा की कह रहा, वराइट द मीनिंग ऑफ द फॉलिंग पार्सल वर्ब लुक डाउन। ठीक है जी, लुक डाउन यदा तुम देख सकते हो, तुम दस दिए तो इसका आंसर आ सकता जोड़ा ग्यारहवा गा, ग्यारहवें का आऊगा थोड़ा नफरत। ठीक है जी, लुक डाउन सॉरी, बट वराइट द मीनिंग ऑफ द फॉलिंग पार्सल वर्ब। ठीक है जी, ये दसना तुमने देख सकते हो, तुम अपने अकॉर्डिंग तुमने करना गा। तो इस बाद जिम्मे कि सेमा, मेक अ सेंटेंस ऑफ एडियम टर्न ओवर न्यू लीफ। ठीक है जी, इसका सेंटेंस बनाना जोड़ा येगा, इसका मीनिंग आऊगा नफरत। ठीक है जी, तो इसका लिख सकते हो नफरत, इसका आंसर है नफरत। तो इसका एक बार तुमने अपनी बुक के भी अपनी कापी के भी देखना कि मैंने सही है। इस तो बाद सेमा भी आप करना। इस तो बाद है बारहवा, इस डू ज एज डायरैक्ट ये है बारह बारह है जेडे एक एक नंबर के सारे ने, तो जो टोटल ने बारह बन गए। इस तो बाद है कि पहला स्टार्ट हो रहा, रीड द सेंटेंस बिलो एंड स्टेट विच टाइप ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी, इस सेंटेंस का अपने टाइप दसने मैंने कि प्लीज़ हैल्प मी। ठीक है जी, ये है प्लीज़ हैल्प मी, कोई आप मदद मंग रहे तो यह हो गया रिक्वेस्ट कर रहा, तो इसका है इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, इंपैरेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस है जो पहला। इस तो बाद आप दूजा देख लें,
चूज़ द करैक्ट ऑप्शन टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू। ठीक है, अंडरलाइन बिलोंग टू की कर रहा है, जो किया होगा अंडरलाइन प्ले किया हो नाउन है, ज वर्ब है, जो अडवर्ब है, ज प्रनाउन है, यह है जो प्ले है, यह है वर्ब, जाने की तुहाड़ी बी ऑप्शन टिक आ जू। तो इस बाद तीजा देख रहे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल डिटरमाइन। ठीक है जी, आज फिलअप्स दी गई, इस बीच ने कोई सूटेबल ढुकमा कोई शब्द लिखना। आई हैव डैश वर्क टू डू। ठीक है जी, आई हैव तुम लिख सकते हो आई हैव सो। ठीक है जी, आई हैव सो वर्क टू डू। ठीक है जी, मेरे को काफ़ी वर्क आ मैंने करने दे दी, आई हैव सो। ठीक है जी, इस तो बाद है चौथा, चौथा की कह रहा है, अंडरलाइन द हैल्पिंग वर्ब एंड इन सर्कल द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है जी, जी हैल्पिंग वर्ब आ, हैल्पिंग वर्ब ने अंडरलाइन करना, जो सर्कल करना तुमने जी मेन वर्ब आप कर लेना, जो सर्कल आप करा पार्टिसिपेटेड। ठीक है जी, ये पार्टिसिपेटेड है तो यह है मेन वर्ब। ठीक है जी, पार्टिसिपेट है तो जी मेन वर्ब, तो जो हैव हैगा तुहाडा हैल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, हैव हुंदा गा तुहाडा हैल्पिंग वर्ब। तो इस तरह तुसीं नोट करना गा जिहड़ा इन्हां विच जिहड़ा हैगा तुहाडा हैल्पिंग वर्ब, हैल्पिंग वर्ब दा तुसीं नीचे अंडरलाइन करना, तो जिहड़ा मेन वर्ब आ उह मेन वर्ब दा तुसीं ने सर्कल करना। इस तों बाद देख लैणे आपां पंजवां, द स्टेट वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रांसटिव और इनट्रांसटिव। ठीक है, दसणा तुसीं ट्रांसटिव सेंटेंस है कि इनट्रांसटिव, यह हैगा तुहाडा ट्रांसटिव। ठीक है जी, ट्रांसटिव स्पैलिंग देख सकते हो, इस ट्रांसटिव दिया लिखी हुई, ट्रांसटिव दस अं दसना भी नहीं कि सेंटेंस। इस तो बाद है तुम्हारा सीमा, सीमा की कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अपरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है जी, तो ब्रैकेट जी दी गई है, डिग्री भरनी है, गोल्ड इज डैस दैन सिल्वर, गोल्ड तुम्हें पता ही है एक्सपेंसिव है, यानी कि एक्सपेंसिव का मतलब होंगे थोड़ा महंगा। ठीक है जी, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है जी, तुम्हें इन्होंने दे रखे कि मैंने एप्रोप्रिएट डिग्री भरनी है, फिल करनी है। ठीक है जी, एडजेक्टिव है। ठीक है जी, तो इसका आजगा आंसर थोड़ा दस देना, इसका इसका जो थोड़ा मोर एक्सपेंसिव। ठीक है जी, मोर एक्सपेंसिव, जो तुम देखते गोल्ड इज एक्सपेंसिव दैन सिल्वर, तो यह सही नहीं बनना से, तो इस मूहरे लग जूगा मोर एक्सपेंसिव। इस तो बाद सातवां, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट नॉन फाइनेट फॉर्म। नॉन फाइनेट फॉर्म से लिखना तुमने, यू नीड, यू नीड नॉट डैश एनीथिंग। इसका जो थोड़ा, इसका जो थोड़ा, इसका होगा से। ठीक है, से ये तो लिखना गा से, से एनीथिंग। ठीक है जी, इस तो बाद है थोड़ा मैंने कि तीजा, तीजा की पिक आउट द ग्रेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका जूगा स्टीलिंग इज क्राइम, इसका आजगा थोड़ा स्टीलिंग, हाँ जी स्टीलिंग इज ए दसना सी मैंने जो कि पिक आउट द ग्रेंड। ठीक है जी, आ ग्रेंड हों जो सेंटेंस चकना से हैगा थोड़ा आह। ठीक है जी, इसका आंसर यही है, आही तुमने जाके आंसर लिखना गा। ठीक है जी, तो इस बाद आप देख लें अगला थोड़ा नौवा, सिलेक्ट द करैक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है जी, आ जी वर्ब है इन्हें कोई एक चुन के लिखनी है, आल द प्लेयरस इन माई टीम डैश डन वैल। ठीक है जी, इसका होगा थोड़ा आल माई प्लेयरस इन माई टीम हैव। ठीक है जी, हैव जो हैव होंगे गा, हैव लगता होंगे प्लूरल, जो हैज़ होंगे वो लगता होंगे सिंगुलर, सिंगुलर तुम्हें पता होगा कि सिंगुलर होंगे ने, हैज़ होना नहीं लगता सिंगुलर। ठीक है जी, सिंगुलर च आ जाते हैं गे, ही शी इट। ठीक है जी, एदवाज जिन्हें भी है थोड़े सिंगुलर ने गे, उन्होंने सारे नो लगेगा, जो आई ना होंगे आई ना लगेगा हमेशा है, हैव। ठीक है, हैव लगता हूँ प्लूरल ही, आई भी, आई आई च भी लगता है, हैव। ठीक है, प्लूरल च होंगे ने वी दे यू, अगर जिन्हें भी रह गए थोड़े प्लूरल वो आ जाएंगे। ठीक है जी, इस बाद देख लेने के थोड़ा दसवां, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करैक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट सिंपल। ठीक है जी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में यह फिल करना, तो प्रेजेंट सिंपल में फिल करना, सी आलवेज डैश माई बर्थडे। इसका जो थोड़ा सी आलवेज, इसका जो थोड़ा रिमैंबरस। ठीक है जी, जेकर अपने प्रेजेंट सिंपल में लिखना, सिंपल का यह रूल हों। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म प्लस एस ओ ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो यह थोड़ा हैगा सिंगुलर, तो इसका होगा थोड़ा एस ओ ई एस लगता होंगे गा, तो इसका थोड़ा रिमैंबर के पिछे तुमने लिखना गा एस। ठीक है जी, आलवेज रिमैंबरस माई बर्थडे। जेको तुम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लिखना गा, ये उरों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, आंसर थोड़ा सी आलवेज रिमैंबरस माई बर्थडे, ये थोड़ा हैगा प्रेजेंट सिंपल बन गया। इस तो बाद जेकर आप देखिए इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यू में टर्न करना, इसका जो थोड़ा सी आलवेज, सी आलवेज इज,
इन्हें दस्या है भी ना कि लग सकता ठीक है जी। इसका कंटीन्यूअस तो बन ही नहीं सकता, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है जी, बन नहीं सकता। तो इस तो हैगा तो बाद हैगा तुहाडा 11वां चेंज द वॉइस ठीक है। वॉइस तुहानू पता ही हुंदा हैगा जिहड़ा सब्जेक्ट हुंदा, सब्जेक्ट जी हैगा अपना ऑब्जेक्ट लग जांदा, ऑब्जेक्ट दी जगह अपना लग जांदा सब्जेक्ट, और जिहड़े वर्ब जिहड़े बेचारे फॉर्म्स हुंदियां ने उह चेंज हो जांदे ने ठीक है। वर्ब दी थर्ड फॉर्म हो जांदी है, और जिहड़े तुहाडे हेल्पिंग वर्ब रहेगे दूजे उह भी चेंज हो जांदे ने ठीक है जी। इस तों बाद हैगा तुहाडा चेंज द वॉइस, आपां दस दिंदे आ मोहन डिड नॉट सिंगल सोंग ठीक है जी। इसका जो थोड़ा अ सोंग वाज नोट जिहड़ा सिंग दिता, सिंग की थर्ड फॉर्म तुहानू पता ही होगा सिंग की होंदी है संग ठीक है जी। ये हो गया थोड़ा अ सोंग वाज नोट संग बाय मोहन, किसके द्वारा नहीं गाया गया, मोहन के द्वारा ठीक है जी। तो इसका एम आता होंगे। इस तो बाद है लास्ट, लास्ट हैगा तुहाडा 12वां स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब ठीक है। जिहड़ा दिता हुआ अंडरलाइन किया हुआ दसना भी ना तुहाडा एडजेक्टिव आ जां एडवर्ब आ, ये होगा तुहाडा एडवर्ब ठीक है जी। इस तों तुहाडा एडवर्ब ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ 13 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਰਾਈਟ ਆ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮਿੰਗ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਬਰਥਡੇ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਹਿਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਸਕਿੰਗ ਫੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਟ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੀ ਅਡਡ ਵਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਥੈਂਕਿੰਗ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਓਵਡੈਂਟਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਕਲਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਲੈਟਰ, ਤਾਂ ਲੈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਸੋਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਅਵਰ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੂਜਿੰਗ ਦਾ ਹਿੰਟਸ ਬਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਆ ਹਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਸਟੀ ਔਫ ਡੋਂਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਸਟੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰੀ ਆ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੋਰੀ ਡੈਂਸੀ ਆਫ ਅ ਡੋਂਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅ ਗਾਰਡਨਰ ਹੈਡ ਅ ਡੋਂਕੀ ਟੂ ਲੋਡ ਹਿਜ ਫਲਾਵਰਸ ਔਨ ਹਿਮ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਟੂ ਸੈਲ ਦੈਮ ਵਨ ਡੇ ਦ ਡੋਂਕੀ ਥੋਟ ਦੈਟ ਹਿਜ ਮਾਸਟਰ ਮੇਡ ਹਿਜ ਓਵਰ ਵਰਕ ਸੋ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਲੋਡ ਐਂਡ ਸੇ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਮੇਕ ਮੀ ਓਵਰ ਵਰਕ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਦ ਲੋਡ ਸੈਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਅ ਪੋਟਰ ਹਿਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸ ਐਵਰ ਓਵਰਸ ਦੇਅਰ ਦ ਪੋਰਟਰ ਲੋਡਰ ਅਰਥਨ ਪੋਰਟਸ ਔਨ ਦ ਹਿਮ ਅਰਥਨ ਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥਨ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਔਨ ਹਿਮ ਵੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਦਮ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬੀਇੰਗ ਟਾਇਰਡ ਦ ਡੋਂਕੀ ਅਗੇਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਲੋਡ ਐਂਡ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੋਡ ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਿਮ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜ ਦ ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਅਗੇਨ ਬਟ ਨਾਓ ਦ ਲੋਡ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਂਗਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਨ ਪੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲੋਡ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਸੈਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਅ
बचर, ठीक है जी, बचर को सेंड किया। द बचर स द डोंकी एंड से योर स्किन विल यील्ड गुड लैदर। बचर हों का अपना मोची होंगे, ठीक है जी। द लिसनिंग टू द बचर द डोंकी बेफ्ट फॉर हिज फुलिशनैस, ठीक है जी। इस तुँ बाद है तो मोरल आ गया, वेयर एवर यू आर एट द प्रेजेंट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, ठीक है जी। जिते तुम है प्रेजेंट के उही थोड़े बेस्ट प्लेस आ, ठीक है जी। आपको चेंज नहीं करनी चाहिए प्लेस, तो यही इसका जो मोरल सगा, तो मोरल लिखना जरूरी है। तो इस तरह थोड़ी यह हैगी स्टोरी, तुम अपनी वर्डिंग भी लिख सकते हो, जड़ियाँ तुम्हें इंपोर्टेंट लगदियाँ थोड़ी बुक में वह स्टोरियाँ कर सकते हो। ये थोड़े लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप इस पाई है स्टोरी। तो इस बाद नीचे आ रहा है 15वें नंबर पर नोट राइटिंग, ठीक है। नोटिस राइटिंग भी लिख सकते हो, नोटिस आया 3 नंबर का, ठीक है। नोटिस भी लिख सकते हो, तो न्यूज़पेपर हैडलाइन, ठीक है जी, आ लिख सकते हैं, ठीक है जी। हैडलाइन इस बीच तुमने फिल करने, तो आप दिखाने के नोटिस, ठीक है जी। आप नोटिस करा देने 15 नंबर के नोटिस, ठीक है। नोटिस आ देख सकते ट्रिप टू आगरा, ठीक है जी। आगरे ट्रिप पर जाना गा, तुमने इस तरह नोटिस लिखना होंगे गा पूरा बना के, जिमें कि इस बीच दसा गया है अवर स्कूल इज ऑर्गनाइजेशन आर ट्रिप टू आगरा। साडा जो अपना स्कूल हैगा वह ऑर्गनाइज कर रहा, जाने कि प्रबंध कर रहा ट्रिप का आगरा जाने का, जोड़ा कि 15 जनवरी रखा गया ट्रिप। ट्रिप इज फोर क्लासिज 8 to 12, ठीक है। जो ट्रिप है वो 8वीं क्लास तो लैके 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए है। द फीस फॉर द ट्रिप इज RS 700 पर स्टूडेंट, ठीक है। जो ट्रिप की फीस आ वह 700 पर विद्यार्थी है, ठीक है जी। इस इट इज़ ऑफ 3 days and 2 nights। ये जरा ट्रिप हैगा वह है 3 दिनों के लिए, 2 रातों के लिए। द स्टूडेंट्स हू आर इंट्रस्टड कैन कॉन्टैक्ट टू अवर वाइस प्रिंसीपल, ठीक है जी। जे स्टूडेंट जाने चाहवान ने इंट्रस्ट रखते हैं वो अपने वाइस प्रिंसीपल नाल कॉन्टैक्ट कर, एंड फॉर फरदर डिटेल दे कैन लॉग ऑन टू अवर स्कूल वैबसाइट, ठीक है। जेकर उन्होंने जोड़े विद्यार्थियों जेकर कोई होर इंफोरमेन चाहिए है, तो वह अपने स्कूल की वैबसाइट पर जाके वह सर्च कर सकते हैं। ये इन्होंने क्या है और कैन आलसो फ्रॉम देयर क्लास टीचर एज वैल है, और वह जानकारी ले सकते हैं ट्रिप के बारे वह अपनी वैबसाइट तो स्कूल की वैबसाइट तो टीचर तो, ठीक है जी। इस तो बाद नीचे आया तो प्रिंसीपल, ठीक है जी। प्रिंसीपल इस तो बाद एक बार तुम बस अपना नाम लिखना होंगे उरे, तो उस तरह लिख सकते हो जिम्मे है तो कराया गया है स्कूल में, उस तरह तुम लिख सकते हो। इस तो बाद आप देख लें, इस तो बाद आओगे तो ये तुहाडे हो गए 3 नंबर का सीगा नोटिस। इस तो बाद आ गया 16वां नंबर, ठीक है। ट्रांसलेशन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पंजाबी और हिंदी, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश में दिता गया है, इसमें तुमने पंजाबी में ट्रांसलेट करके देखना है। ये है एक एक नंबर के दोनों ने, ठीक है जी। तो हो गए 2 नंबर के, ठीक है। जिम्मे क्या पहले देख लें, ओवैड वैड कंपनी, ठीक है जी। इसका जो थोड़ा बुरी संग तो बचो, ठीक है जी। अवॉयड होता है बचना, ठीक है जी। वैड कंपनी होंगी है कि बुरी संगत, इसका जो थोड़ा बुरी संगत तो बचो, ठीक है। इस बार एक बार तुम्हें लिख भी दस देने, बुरी संगत तो बचो, ठीक है। इस तरह यदा आंसर है, तुम हिंदी भी लिख सकते हो बुरी संगत से बचे। इस तो बाद है थोड़ा जिम्मे कि दूजा आ दे रखा, दूजा इन कोई 3 दिते गए हैं, इन्हें कोई तुमने 2 करने, ठीक है जी। तो दूजा हैगा आई एम नॉट फीलिंग वैल टूडे, इसका जो थोड़ा मैं अज ठीक महसूस नहीं कर रहा हाँ, ठीक है जी। इस मैं अज ठीक महसूस नहीं कर रहा हाँ। इस तो बाद है थोड़ा तीजा वेयर विल यू गो नाउ, तुम हूँ तुम कितने जा रहे हो, क्योंकि नाउ आ गया पिछे, तो इसका आएगा हूँ नाउ होंगे हूँ कितने जा रहे हो, ठीक है। तुम हूँ तुम कितने जा रहे हो, ठीक है। तुम इस तरह लिख सकते हो। इस तो बाद आ गया थोड़ा ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंग्लिश, ठीक है जी। तुम्हें पंजाबी ते हिंदी च दिते गए ने, इसनों तुसी ने लिख देना है इंग्लिश दे विच, ठीक है। जिम्मे कि पहला दस दिना तुहानू, ये भी है कि तुहाड़े 2 करने ने, दोनों है एक एक नंबर के। मैनू तुहाडे ते माण है, ठीक है जी। आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है जी। आई एम प्राउड ऑफ यू। इस तो बाद आ रहा थोड़ा तीजा, तीजा की है थोड़ा पक्का मित्र कौन है, ठीक है जी। हू इज़ यूअर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी। इसका जो लिख बीच लिख के दस देने थानू, हू इज़ यूअर बेस्ट फ्रेंड। इस तो बाद देखते गए अगला, मैं अपने जन्मदिन मनाया, मैंने अपना उरे आना है, मैंने अपना जन्मदिन मनाया, ठीक है जी। तो मैंने आऊगा, मैंने अपना जन्मदिन, इतने मैं लिखा हुआ है गलत है, इतने आऊगा थोड़ा मैंने अपना जन्मदिन मनाया। इसका आजगा आई वास, क्योंकि बात लगता हूँ तो अपना पास्ट के लिए, तो यह पास्ट दे पास्ट हैगा। मैं आई वास सैलीब्रेट माई बर्थडे, ठीक है। सैलीब्रेट होंगे जन मना, सैलीब्रेट जन्मदिन होंगे बर्थडे, सैलीब्रेट माई बर्थडे,
ठीक है जी। इस तो बाद आ गया तुहाडा ये तुहाडा पेपर सीगा अते तुहानू लास्ट दे दित्ता होयागा 18वें नंबर ते गुड हैंडराइटिंग। गुड हैंडराइटिंग तुहानू 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। वधिया हैंडराइटिंग करके आओगे तुहानू 5 मार्क्स मिलेंगे। ए सी तुहाडा क्लास 8वीं दा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर फुल सॉल्वड। अते जेकर तुसीं ने पार्ट 1 अजे नहीं देखिया, पार्ट 1 दा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दिता होया, उस पार्ट 1 दे विच तुहाडे नाल असीं जिहड़े तुहाडे कॉम्प्रीहेंशन सीगे अते तुहाडे 100 मार्क्स ते ट्रू फॉल्स एमसीक्यू सीगे उस वीडियो विच कवर कीते हो गए नेगे। वो वीडियो हजे तक नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिता हुआ है, नीचे अपने कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक पिन किया हुआ है, उत्थे तुसीं देख सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो वधिया लगी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि होर तक भी पेपर पहुँच सके। जिन्हें भी तुहाडे अगे पेपर होने हैं सारे तुहानू अपनी चैनल पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर फुल सॉल्वड मिल जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी तुहाडी फाइनल पेपर की तैयारी भी करवावे, तो जिम्मे कि तुहानू पता ही लग चुका होगा फाइनल पेपर ने डेट शीट आ चली है, तो उस तरह तुहाडी आप पेपर की तैयारी शुरू करवा देंगे आप जल्दी तुहाडे पेपर तो पहला पहला कि तुहाडे पेपर में वधिया मार्क्स होन, ठीक है। स्टूडेंट्स तो अज इस वीडियो में इन्ना ही, आओ मिलते हैं तुहानू नैक्सट वीडियो, तद तक लिए धन्यवाद।